बिल्कुल क्रिस्पी, टेस्टी और आसान से ये पनीर फिंगर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे, और मैंने थोड़ा सा ही बनाया है तो मैरिनेशन भी थोड़ा ही थोड़ा निकालेंगे। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, इसमें डालेंगे काली मिर्च और ओरिगैनो, यहाँ पे चाहे तो हम पेरी पेरी भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाला है, और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक ऑलरेडी सारी चीज़ों में रहता है। थोड़ा सा टमाटो केचप डालेंगे, और एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पनीर को लपेट के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, तो पनीर में अच्छे से स्वाद आता है और बाद में रोल्स भी अच्छे बनेंगे। तो अब क्या करना है कि ब्रेड लेंगे और ब्रेड की किनारी निकाल लेंगे, किनारी को हम फेंकेंगे नहीं, बाद में ये ग्राइंड कर लेंगे और ब्रेड क्रम्स की तरह से यूज़ कर लेंगे। 4-5 ब्रेड का मैंने किनारा निकाल के अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पे चाहे तो हम क्रंच के लिए कॉर्नफ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो रवा यूज़ कर लें, और ये थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने एक ब्रेड और डाली थी इसमें ग्राइंड करने के टाइम में। और ये क्रम्स बना के स्टोर करके हम अगर भून के रख लें तो ये ब्रेड क्रम्स काफ़ी दिनों तक चलता है, बस इसको भून के रखना होता है। और अब एक स्लरी तैयार करते हैं, तो स्लरी के लिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, और इसको घोल लेंगे। घोलने के टाइम में घोल में लम्स भी नहीं होने चाहिए, और घोल ना तो बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं ना कि ब्रेड को हल्का सा बेल लेते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे और फिर इसमें रोल कर लेंगे। आप इसकी थिकनेस देखिए तो ये बिल्कुल पतला हो गया है, और अब इसमें रोल के लिए पनीर का एक लंबा टुकड़ा रखेंगे, किनारे पे जो हमारी स्लरी है वो लगाएंगे, और फिर बिल्कुल टाइट से इसको रोल करेंगे। कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए, वरना ऑयल में बाद में ये खुल जाएगा और फिर घी चला जाएगा अंदर। तो बिल्कुल टाइट से इसको चिपका देंगे। किनारे पे फिर से मैंने थोड़ी सी स्लरी लगाई है और बिल्कुल टाइट से इसको बंद कर दिया है। इसी तरह से हम सारे रोल्स तैयार कर लेते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए ना बहुत अच्छी रेसिपी है, और ख़ासकर टोडलर्स वगैरह को जब कुछ शाम को नाश्ता देना होता है उसके लिए भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। आसान भी है और बच्चे बिल्कुल पसंद से खाएंगे। तो ऐसे ही मैंने सारे रोल्स तैयार कर लिए हैं। कहीं से थोड़ा सा भी अगर खुला लगे ना तो वहाँ स्लरी लगा दें। और अब एक बार फिर से इसको अच्छे से मिक्स करके हम ये रोल्स को इसमें लपेटेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में लपेटेंगे। तो इस तरह से सारे के सारे हम रोल्स तैयार कर लेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। दूसरी साइड में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इस तरह से अगर दोनों हाथ अलग अलग रखेंगे ना लपेटने के लिए तो बहुत आसानी हो जाती है काम में। बस एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स को हटाएं और इसको गर्म ऑयल में फ्राई कर लें, नाश्ता तैयार हो जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है, और इसको बनने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगा था। तो आप टिफ़िन के लिए एक बार इसको बना के दें बच्चों को, बच्चे ज़रूर टिफ़िन फिनिश करके आएंगे। इसी तरह से हम सारे रोल्स तैयार कर लेंगे। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज की ये क्रंची क्रंची पनीर फिंगर्स को एंजॉय करते हैं। और अंदर से बिल्कुल आप देखिए, इसको मैं एक काट के दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लग रहा था और एकदम गरम गरम था, तो चाय के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।